गाइस कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप सुपर स्लोमो कैसे बना सकते हैं अपनी वीडियो में। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे रिसेंटली कमेंट आया कि यार भाई ट्यूटोरियल लेकर आओ। तो यार मैंने ट्यूटोरियल ले आया हूँ। ठीक है, तो मैं पीसी पे बना रहा हूँ, ठीक है, ट्यूटोरियल। तो अगर आपको मोबाइल का ट्यूटोरियल चाहिए तो नीचे कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि मुझे पता चले कि पब्लिक को किस चीज़ की डिमांड है। तो क्या कहते हैं, फिर उस पर ट्यूटोरियल लेंगे। तो फिर आज की इस वीडियो में, चलो आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं कि पीसी ट्यूटोरियल में क्या क्या होता है। मोबाइल एडिटर जो भी है वो भी देखे वैसे तो एक चीज़ का आइडिया हो जाता है। तो पीसी एडिटर क्या कह रहा हूँ, कहने का मतलब ये कि पीसी में एडिटिंग के लिए ना स्लो मोशन के लिए एक सॉफ्टवेयर यूज होता है जिसका नाम है अडोब प्रीमियर प्रो। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो अब इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो ओपन हो गया। उसके बाद हम इसे क्रॉस करते हैं, फिर हम न्यू प्रोजेक्ट, तो इधर कोई भी हम नाम लिख देते हैं, इंटर दबा दिया। ठीक है, प्रोजेक्ट निकलेगा वाइड अभी सेटिंग, ये चीज़ ओपन होगी। तो घबराना नहीं है यार, कोई बहुत इजी मेथड है, कोई टेंशन नहीं लेनी। इससे हमने इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट किया। तो अब हम इधर से हम रिकॉर्डिंग किधर, डाउनलोड शेयर इट आईपैड वीडियो, ये हमारी वीडियो रही जो मैंने कल रिसेंटली वीडियो लॉबी वीडियो एडिट की थी ना, ये वही वीडियो है। ठीक है, तो अब इसको हम इधर इंपोर्ट कर लेते हैं। तो उसके बाद हमें चाहिए साउंड। अब हम साउंड इसका ढूंढते हैं, डॉक्यूमेंट अडोब प्रीमियर प्रो। ठीक है, और ये रहा साउंड। ठीक है, ये साउंड है, इस साउंड को मैं यार कम कर लेता हूँ, यार बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसका। तो हम इसको कितना कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, और इसके ऊपर वाली वीडियो को कट कर देते हैं ये। तो ये देखो कोई स्लो मोशन नहीं है। ठीक है, मैं इसका साउंड यार कम कर देता हूँ काफ़ी। ये है साउंड, ये स्लो मोशन है, ये सब कुछ नॉर्मल है, मतलब कि नॉर्मल वीडियो है, देख लो नॉर्मल वीडियो है ना। तो अब हम इसमें ऐड करते हैं जादू, जैसे लाइक जादू मीन, कहने का मतलब। तो ये साउंड हम कट कर देते हैं, इतना सा कट कर देते हैं। तो अब इसमें हम स्लो मोशन ऐड करते हैं, राइट क्लिक करना है, अनलिंक पे क्लिक करके ये नीचे वाला करते हैं, राइट क्लिक करना है, उसके बाद स्पीड पे क्लिक करना है। होगी, मैं स्पीड स्लो मोशन ऐड करता हूँ जैसे लाइक 30%। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से, वीडियो के हिसाब से जितनी मर्जी आप ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने भला क्या करना है, उसके बाद इधर से आपने सेलेक्ट करना ऑप्टिकल फ्लो। तो हम ऑप्टिकल फ्लो को ऐड करते हैं। अगर आप ये ना यूज़ करेंगे तो आपकी स्लो मोशन मतलब कि स्मूथ नहीं होगी। ठीक है, बाद में ये ना कहना कि यार आपकी वीडियो इतनी स्मूथ थी, हमारी वीडियो क्यों नहीं इतनी स्मूथ आ रही। तो ये ऑप्टिकल फ्लो ज़रूर सेलेक्ट करना। ठीक है, उसके बाद आपने ओके वाला बटन दबा देना, ओके वाला कर लिया। तो अब हम आपको करके दिखाते हैं। तो ये देखना अभी ज़रा वीडियो लैग करेगी। ठीक है, तो आपने टेंशन नहीं लेने का, घबराना नहीं है, इधर ही रहना है, वीडियो के साथ जुड़े रहे। तो अभी हम करते हैं, ये देखो स्लो मोशन हो रहा है ना, जस्ट लाइक ऐसे लग रहा है जैसे लैग हो रही है, लेकिन ये लैग नहीं हो रही, ये जस्ट रेंडर होने के बाद अच्छी दिखेगी। तो अब हम इसकी ज़रा कुट करते हैं, इधर से हम कट करते हैं, सी दबाएंगे, ये कट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, सी दबाने से, और वी दबाएंगे, दोबारा आपको करके दिखाते हैं, ये सी दबाते हैं। ठीक है, और यार ये फिर हो गया, हम इसको फिर पीस करते हैं, ऑप्टिकल फ्लो डन। तो सी दबाने से कट का ऑप्शन आ जाएगा, सही है। तो वी दबाने से सेलेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, हम इधर से डिलीट कर देते हैं, ये करते हैं। ठीक है, उसके बाद अब इसका स्लो मोशन हम ऐड करते हैं, स्लो मोशन बल्कि ऐड हो गया, ये देखो स्लो मोशन लैग हो रहा है ना, तो टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, लैग नहीं हो रहा। तो अब हम इसमें थोड़ी सी ना स्पीड ज़्यादा करते हैं, ये स्पीड आ गई। अब इधर हमें इतनी स्पीड चाहिए इस वीडियो में, इतने क्लिप में, तो हम राइट क्लिक करते हैं स्पीड, इधर हम ऐड करते हैं 110, ये ठीक है स्पीड। ठीक है, उसके बाद वीडियो छोटी होगी तो हम इसको सेट कर देते हैं ये, तो ये प्ले होगी, ये देखो फास्ट है ना, अब स्लो हो गया। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम बस ये बताएंगे कि स्लो मोशन कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, ये स्लो मोशन है सर। ठीक है, उसके बाद हम इसको कट कर देते हैं, कि जिसने वीडियो अपने स्लो मोशन कर ली कर ली। ठीक है, तो ये देखें अब वीडियो में देखें कि ये लैग शो हो रहा है, कि जस्ट लाइक स्मूथनेस नहीं है।
तो घबराना नहीं, इधर ही नए सब ने, ठीक है। तो अब भला क्या करना है, हमने क्या करना है, अब हमने वीडियो को रेंडर करना है। ये देखो ना, ये रेड लाइन आ रही है ना, अगर जब ये रेंडर हो जाएगी तो ग्रीन हो जाएगी। अब हम आपको रेंडर करके दिखाते हैं वीडियो कैसी बनी है। तो हम सीक्वेंस पे क्लिक करते हैं, रेंडर इनटू करते हैं, तो हमारी वीडियो रेंडर होना स्टार्ट हो गई है। तो तब तक हम वीडियो को रोक देते हैं, तो चलते हैं, हमारी वीडियो रेंडर हो गई है, तो अब आपको दिखाते हैं कि कैसी बनी है। तो चेक करना जरा, चेक हो, चलो डिस्प्ले की ये वीडियो। अब बंदूक दिखा के डरा था क्या, मजे वाली हो गई ना, स्मूथ, फुल स्मूथ हो गई है, ठीक है। बंदूक तो सिर्फ शौक के लिए रखता हूँ, दबाना। और नेक्स्ट वीडियो मुझे बताना कि मैं किस ट्यूटोरियल पे लेकर आऊं, जस्ट लाइक के शेक इफेक्ट, ठीक है, कलरिंग, जो चीज भी इफेक्ट, मतलब कि जो भी ट्यूटोरियल चाहिए आप लोगों ने कमेंट कर देना कि हमें इस चीज पे ट्यूटोरियल चाहिए, तो आपको वो ट्यूटोरियल मिल जाएगा। तो बस टाटा बाय बाय। उसके बाद इसको एक्सपोर्ट कर लेना, जो पीसी डिटेल है उसको तो पता है कैसे एक्सपोर्ट करते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।